हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। फ्रेंड्स, ये क्लास रे आमे एमरजेंसी प्रोविजन रु बा एमरजेंसी रु मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करिबा ए क्लास रे। आपण जदि अन्य समस्त क्लास देखि नांति ताले आपण प्लेलिस्ट को जाय देखि परबे। हिस्ट्री रो, ज्योग्राफी रो एवं पॉलिटी रो समस्त ए बोली एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करा जाय छि। समस्त टॉपिक रो आपण देखि परबे एवं अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्य। तेनो ए क्लास रे हम एमरजेंसी प्रोविजन रु मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। तेनो आरंभ करिबा क्लास को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार इमरजेंसी अछि। यार सटीक आंसर होची तीनोटी प्रकार इमरजेंसी अछि। गुटे होची नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ए बोली बाबरे तीन प्रकार इमरजेंसी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन। हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे इमरजेंसी विषय रे लिखा जाय छि। यार सटीक आंसर होची पार्ट 18 बा पार्ट एक्स बी ट्रिपल ए पार्ट रे लिखा जाय छि इमरजेंसी प्रोविजन विषय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री आर द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस्ड। कोठारो इन्फ्लुएंस हो जाय छि बा कोठारो बोरोड करा जाय छि। हम कॉन्स्टिट्यूशन रो जो इमरजेंसी अछि ताहा को कोठारो निया जाय छि। यार सटीक आंसर होछि जर्मनी रो निया जाय छि। जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाय छि बा ताहा को यूएमआर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहा जाय। तेणु आपण को जर्मनी देते सेटा सटिक आंसर हे ना यूएमआर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दे पारे ऑप्शन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर तीन प्रकार इमरजेंसी से ताहा होची नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी। यार सटिक आंसर होची ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हु कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया। स्टेट इमरजेंसी को किए लागू करें क्या पाखे अधिकार अच्छे से स्टेट इमरजेंसी को लागू करें। यार सटिक आंसर होची प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पाखे अधिकार अच्छे से स्टेट इमरजेंसी को लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी समय रे को आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। यार सटिक आंसर होची आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है आर्टिकल 19 इमरजेंसी समय रे। नेशनल इमरजेंसी समय रे ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है आर्टिकल 19। आपण को ही आर्टिकल टे डायरेक्ट देतबो नहले से आर्टिकल रे 6 प्रकार राइट अछि आर्टिकल 19 रे। ता विषय रे मध्ये दे पारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन से बोली समस्त दे पारे पॉइंट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जेते बेले नेशनल इमरजेंसी होइतै सेही समय रे को दुईटी आर्टिकल सस्पेंड होइ नथाय। यार सटिक आंसर होची आर्टिकल 20 एवं 21 सी हो यार सटिक आंसर। आर्टिकल 20 एवं 21 सस्पेंड होइ नथाय इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे लिखा जाई छी। यार सटिक आंसर होची 360 आर्टिकल रे लिखा जाई छी फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। मैक्सिमम केते समय पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होई परिबो। यार सटिक आंसर होची नॉन ऑफ द अबव। तार कोनोसी फिक्स नहीं तार केते समय पर्यंत लागिबो ता फिक्स नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट देखिबा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 नेशनल इमरजेंसी। जेते बेले 1975 मसिया रे इमरजेंसी लागितिला सेही समय रे आम देशर प्रधानमंत्री सॉरी प्रेसिडेंट किए थिले। यार सटिक आंसर होची फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थिले 1975 मसिया रे थर्ड टाइम जेते बेले इमरजेंसी लागितिला इंटरनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगेथिले सेही समय रे प्रेसिडेंट थिले फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। जेते बेले इमरजेंसी लागिथै सेही समय रे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होइथै ताहा विषय रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे लिखा जाइछि कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हेबो बोली। यार सटिक आंसर होछि आर्टिकल 358 रे लिखा जाइछि। आर्टिकल 358 रे लिखा जाइछि कि इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी समय रे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हेबो बोली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कोठार नियाजी इमरजेंसी प्रोविजन को कोठार नियाजी बा तार आइडिया को कोठार नियाजी ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन रो यार सटीक आंसर रही ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन बा जर्मनी देथिले मध्ये तार सटीक आंसर हेबो आपण को ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन देबो नहले जर्मनी देबो नहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया जाय पारे ए दुईटा जदि न थाय तहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया जाय तहले ता सटीक आंसर हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन वाज द वर्ल्ड आर्म रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी आर्म रिबेलियन को केबे एड करा गला हम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहा द्वारा के इमरजेंसी लागि लगा जाय पारिबो नेशनल इमरजेंसी यार सटीक आंसर होची 44 अमेंडमेंट एक्ट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मसेरे हा को एड करा गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ सुन इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सोल्ड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट जेते बेले इमरजेंसी को ए करा जते सही समय रे पार्लियामेंट केते समय मध्ये रे अप्रूव देवा कथा पार्लियामेंट पार्लियामेंट केते समय मध्ये रे अप्रूव दे थाय यार सटीक आंसर हे 1 मंथ भितरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउ लॉन्ग विल इट बी इफेक्टिव जेते बेले इमरजेंसी लागी थाय बोथ हाउस रो पास होई जेते बिल एवं तापरे लागी थाय इमरजेंसी सेही समय रे परे केते समय पर्यंत रही परिबो इमरजेंसी 6 मंथ पर्यंत रहिबो तापरे ता को पुनी तरे बढा जाय परिबो हाउ मेनी टाइम हैव द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज इट इन इयर आम देश रे नेशनल इमरजेंसी केते थर लागिछि एरो सटीक आंसर होछि 3 थर लागिछि 3 टाइम्स नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय डैश ईयर एट ए टाइम जेते बेले नेशनल इमरजेंसी लागि थाय सेही समय रे लोकसभा रो तार कार्यकाल को गोटे थर रे केते समय पर्यंत ता एक्सटेंडेड होय थाय बा बढी थाय 1 ईयर पर्यंत नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया आम देश रे केते थर पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागि छि यार सटीक आंसर होय छि नेवर केबे मध्ये लागि नै एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी को 360 आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट पाखरे अधिकार अछि से लगाई परिबे एवं एथि पई को मेजॉरिटी दरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाइबा पई सिंपल मेजॉरिटी दरकार पड़ी थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम बा स्टेट इमरजेंसी को राज्य रे सर्वप्रथमे लागिछि प्रेसिडेंट रूल बा या को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मध्ये कह जाय स्टेट इमरजेंसी मध्ये कह जाय को राज्य रे सर्वप्रथमे लागिछि प्रथम थरो पई यार सटीक आंसर होछि पंजाब रे लागिछि एवं केबे लागितला या 1952 मसे रे लागितला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which kind of emergency will be imposed in case of war, external aggression एवं armed rebellion? यह द्वारा को प्रकार इमरजेंसी लगी थी बा ता विषय को आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाई छी वार हेबा समय रे बा एक्सटर्नल एग्रीगेशन बा आर्म रिबेलियन एही समय रे इमरजेंसी लगी थी ता को इमरजेंसी लगी थी एवं ता विषय हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे लिखा जाई छी यार सटीक आंसर हो छी 352 हेबो यार सटीक आंसर काहेकि ना एही समस्त नेशनल इमरजेंसी रे लगी थी एवं नेशनल इमरजेंसी विषय हम कॉन्स्टिट्यूशन रो 352 आर्टिकल रे लिखा जाई छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following may be done under the condition of financial emergency? Financial emergency समय रे कौन होता है? Reduction in the salary of the judges of the High Court. High Court रो judge माने करो salary ताँकरो reduction हो जाते बा कमी दिया जाते बा salary ना दिया जाते से मानको reservation of money bills of state legislative assembly for the consideration of the president. President पाखरे ताँकरो money bill रो power थाए बोथ हे यार सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी विषय रे लिखा होई छि यार सटीक आंसर होची
352 आर्टिकल रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो नेशनल इमरजेंसी विषय रे लिखा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच प्राइम मिनिस्टर एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट। आमर को प्रधानमंत्री पार्लियामेंट रो बिना एडवाइस रे बा बिना परमिशन रे प्रेसिडेंट को से एडवाइस देथिले जे इमरजेंसी लगाइबा पई। यार सटीक आंसर होची इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देथिले 1975 मसिया रे एवं एहा द्वारा इंटरलैंड मैटर द्वारा एहा द्वारा लागितिला सेति पई याकु मैक्सिमम प्रोटेस्ट होइतिला बिना पार्लियामेंट रो परमिशन रे लगा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी समय रे कोटा को सस्पेंड करा जाय नथाय। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जाय नथाय एवं आर्टिकल 19 विषय रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रो सॉरी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते आर्टिकल 20 एवं 21 सस्पेंड होइ नथाय। 20 एवं 21 सस्पेंड होइ नथाय कोटा सस्पेंड होइ नथाय कहा जाय छि। तेनु एरा सटीक आंसर हेबो राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो 21 आर्टिकल रे लिखा जाय छि राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी विषय रे। तेनु आर्टिकल 20 एवं 21 सस्पेंड होइ नथाय तेनु हेर सटीक आंसर हेबो सी हेबो कोटा सस्पेंड होइ नथाय कहा जाय छि। राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी सस्पेंड होइ नथाय इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोनेंट टू एक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इज इफ। कहा जाय छि जे केते बेले हमरो स्टेट लिस्ट रे लॉ तैयारी करबा कहार कार्य होची स्टेट रो कार्य अटे। सेंटर रे लॉ के तैयारी करि थाए सेंटर लिस्ट रे बा यूनियन लिस्ट रे यूनियन तैयारी करि थाए एवं कॉन्करेंट लिस्ट रे बोथ तैयारी करि पारे जांती। तेनु केउ समय रे कहा जाय छि क्वेश्चन रे केउ समय रे स्टेट लिस्ट रे पार्लियामेंट लॉ तैयारी करि थाए। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन इज इन ऑपरेशन द ऑल द स्टेट असेंबली ऑफ द कंट्री मेक सच ए रिक्वेस्ट। जदि स्टेट असेंबली रिक्वेस्ट करिवे ना इमरजेंसी समय रे ना द प्रेसिडेंट सेंड सच ए मेसेज टू पार्लियामेंट ना नन ऑफ द अबव। यार सटीक आंसर ए हेबो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। जते बेले 352 इमरजेंसी लागि थे सेही समय रे पार्लियामेंट लॉ तैयारी करते स्टेट लिस्ट विषय बा स्टेट लिस्ट रे कार्य करते। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन इज मेंशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रो को आर्टिकल मध्ये रे इमरजेंसी प्रोविजन को लिखा जाय छी। यार सटीक आंसर होची 352 रो 360 मध्ये रे 352 रो 360 आर्टिकल रे इमरजेंसी प्रोविजन विषय रे लिखा जाय छी। हु कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को किए लगाई पारे प्रेसिडेंट केवल लगाई पारे पार्लियामेंट रिकमेंडेशन रे। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बी बोरोड फ्रॉम। इमरजेंसी प्रोविजन को आम कॉन्स्टिट्यूशन रो कोठारो निया जाय छी कोठारो बोरोड करा जाय छी। यार सटीक आंसर हो जदि जर्मनी थांता ताहले तहार सटीक होता जदि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन थाता ताहले मध्ये तहार सटीक आंसर होता कहीं ना जर्मनी को रो कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाय वेमर कॉन्स्टिट्यूशन एवं सेठार कोन निया छी आइडिया को निया जाय छी। किंतु इमरजेंसी जो प्रोविजन विषय में कहा जाए ताहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कहा जो इमरजेंसी लगी थाए इमरजेंसी समय इमरजेंसी प्रोविजन को ताहा को निया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिखा जाए जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आम देश में। तेणु जर्मनी रो नहीं से यार सटीक आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, फ्रेंड्स आपण जदि वीडियो को लाइक करना ताले लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु करना ताले सब्सक्राइब मध्ये करंतु एवं आपण जदि अन्य समस्त क्लास देखि नहांती एही बोली ताले आपण प्लेलिस्ट को जे हिस्ट्री ज्योग्राफी एवं पॉलिटी रो समस्त क्लास करै छी ता आपण देखि पारेबी एवं अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्ये करा जाय छी। तेनु आरंभ करबा, व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग एंड प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। जिते बेले नेशनल इमरजेंसी लगी थे 352 आर्टिकल आम कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई छि कि नेशनल इमरजेंसी विषय रे प्रेसिडेंट लगाई पारिबी एवं से समय रे से रिकमेंडेशन नै थांती पार्लियामेंट रो एवं पार्लियामेंट रे को प्रकार इमरजेंसी को प्रकार मेजॉरिटी थिबा
द्वारा लागी था या यार सठिक आंसर होची स्पेशियल मेजोरिटी। स्पेशियल मेजोरिटी माने केते 2/3 वोटिंग जदि देबे ताहले इमरजेंसी लागी थे। जदि 100 जन व्यक्ति अछंती ताहले थार 2/3 माने 67 मेंबर्स। तेणु यार सठिक आंसर होची स्पेशियल मेजोरिटी द्वारा लागी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड ए प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इनक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। आमर जुडिशियल रिव्यू रे केबे एड करा गला इमरजेंसी को, यार सटिक आंसर होची अमेंडमेंट 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। यहाँ केबे होतला 1975 अनुसार इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू रे मध्ये एड करा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। प्रथम थर पई इमरजेंसी केबे लागिथिला आम देश रे, यार सटिक आंसर होची 1962 मसीह रे 1962 मसीह रे प्रथम थर पई आम देश रे इमरजेंसी लागिथिला। एवं यहाँ कहीं लगता इंडिया एवं चाइना रो वार होता, इंडिया चाइना युद्ध होता से लगी। प्रेसिडेंट किए थे सही समय एस राधाकृष्णन थे, से समय आम देशर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 to 1977। 1975 पर्यंत इमरजेंसी लगी सही समय, यह थर्ड टाइम लगी इंटरनल मैटर लगी समय। आम देशर प्रेसिडेंट कह प्रेसिडेंट किए थे, यार सठिक आंसर हो फकीरुद्दीन अली अहमद थे। फकीरुद्दीन अली अहमद थे सही समय प्रेसिडेंट थे थर्ड टाइम जितेबले इमरजेंसी लगी। प्रधानमंत्री किए थे इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री, एवं से लगाई एवं यह इंटरलैंड मैटर रे लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग रेजुल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग एंड प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी पई को प्रकार मेजोरिटी दरकार पड़ता है, यार सटिक आंसर हो सिंपल मेजोरिटी। स्टेट इमरजेंसी पई सिंपल मेजोरिटी दरकार पड़ता है। व्हिच स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। को राज्य सर्वाधिक समय पर्यंत प्रेसिडेंट रूल बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मध्ये ताहा कहा जाए बा स्टेट इमरजेंसी अधिक थर लगी मैक्सिमम टाइम उत्तर प्रदेश रे, एवं केते थर लगी 10 थर रु अधिक लगी 10 टाइम्स लगी उत्तर प्रदेश रे मैक्सिमम टाइम्स। एवं फर्स्ट टाइम कोठारे लगी पंजाब रे लगी फर्स्ट टाइम जदि पचार जाए ताले पंजाब रे, एवं मैक्सिमम टाइम पचार जाए ताले उत्तर प्रदेश रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूविंग एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पई को प्रकार मेजॉरिटी दरकार पड़ता है, को प्रकार मेजॉरिटी दरकार पड़ता है। यार सटिक आंसर होची सिंपल मेजॉरिटी, 50% प्लस 1 मेंबर्स को कहा जाए सिंपल मेजॉरिटी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को अन्य कौन कहा जाए, स्टेट इमरजेंसी को कौन कहा जाए, स्टेट इमरजेंसी मध्य कहा जाए, प्रेसिडेंट रूल मध्य कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मध्य कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट मीन्स द स्टेट इज रूल्ड बाय। जितेबले प्रेसिडेंट रूल लगी थाए से समय स्टेट रे रूल किए कर, यार सटिक आंसर है गवर्नर करती। आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा जाए जितेबले प्रेसिडेंट रूल लगे से समय गवर्नर रूल करेंगे ताप कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। ताप क्वेश्चन, हाउ मेनि टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हेज बीन डिक्लेयर इन एक्सटर्नाल एग्रीगेशन। एक्सटर्नाल केते थर लगी टू टाइम्स लगी 1962 मसीह 1971 मसीह इंडिया चाइना युद्ध एवं इंडिया पाकिस्तान युद्ध रे। हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हेज बीन डिक्लेयर इन द इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल मैटर पर केते थर लगी 1 टाइम्स 1975 मसीह इंदिरा गांधी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हेन वाज सेकेंड नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया। सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी केबे लगा जाइतिला
यार सठिक आंसर हूँ 1975 मसीह 1975 मसीह सेकेंड टाइम सॉरी 1971 है यार सठिक आंसर सेकेंड टाइम कह तेनाली 1971 मसीह लगा जाता इंडिया एवं पाकिस्तान युद्ध समय लग जा इंडिया पाकिस्तान युद्ध एवं यही समय किए थे आम देशर प्रेसिडेंट भिभी गिरी थे यही समय आम देशर प्रेसिडेंट व्हेन वाज द थर्ड नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इंडिया थर्ड टाइम के भी लगी थर्ड टाइम लगी आम देश में 25 जून रु लगी यार सठिक आंसर 26 जून है 25 जून 25 जून 1975 रु 21 मार्च 21 मार्च 1977 पर्यंत लगी 25 जून 1975 रु 21 मार्च 1977 पर्यंत लगी थर्ड टाइम हु हेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जिते बेले प्रथम थर पर नेशनल इमरजेंसी लगी से ही समय आम देशर प्रेसिडेंट किए थे सॉरी हाँ प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे प्रेसिडेंट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल इमरजेंसी सेकेंड नेशनल इमरजेंसी 1971 मसीह लगी से ही समय आम देशर प्रेसिडेंट थे भिभी गिरी थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मच टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड केते थर पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी बा केते समय पर्यंत लागी पारिबो यार कौन नो नो फिक्स टाइम पीरियड तहार कौन पीरियड टाइम फिक्स नहीं एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय इमरजेंसी समय रे केते समय पर्यंत लोकसभा टाइम को एक्सटेंडेड करा जाए वन ईयर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल सस्पेंड हो न था इमरजेंसी समय 20 और 21 हाउ हु हेज द पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरींग इमरजेन्सी 1962 इमरजेन्सी मसीह आम देशर प्रधानमंत्री किए थे जवाहरलाल नेहरू थे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फाइनेंशियल इमरजेंसी आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखाई फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय 360 आर्टिकल लिखाई आम कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय एवं यहाँ को सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास करा जाए केम देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ना एवं पर्यंत यार कौन फिक्स टाइम पीरियड ना केत समय पर्यंत लगे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखाई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी विषय 356 आर्टिकल 356 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा स्टेट इमरजेंसी क्या प्रेसिडेंट रूल क्या यह विषय लिखाई 356 आर्टिकल एवं यहाँ यह समय गवर्नर रूल करते स्टेट इमरजेंसी लगी था स्टेट रे गवर्नर रूल करते फास्ट 1951 फास्ट टाइम लगी पंजाब राज्य में सिंपल मेजोरीटी द्वारा पास कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर द नेशनल इमरजेंसी आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा जाए नेशनल इमरजेंसी विषय 352 352 आर्टिकल आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए नेशनल इमरजेंसी विषय तो यह फ्रेंड्स इमरजेंसी रो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन आशा करूँ आप बुझीपारे जदि बुझीपारी पुणि थे ये वीडियो को देखंतु एवं आपण अन्य समस्त क्लास देखि नहांती तारे आपण प्लेलिस्ट को जे अन्य समस्त हिस्ट्री ज्योग्राफी एवं पॉलिटी रो ए भली टॉपिक वाइज क्लास कराई छी ता आपण देखि परिबे एवं आम चैनल को एबे पर्यंत लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि नहांती ताले ता मध्य करंतु तेनु थैंक यू।